हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परिया। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, होपली यू विल एंजॉय, सो लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों मल्टीप्लिकेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आज हम प्रॉब्लम सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले से ही एक प्रॉब्लम्स राइट की हुई है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल बहुत ज़रूरी है, सो आप टेबल को लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, समथिंग आपको 15 तक टेबल आना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स जैसे कि एडिशन में एडिशन की प्रॉब्लम्स होती है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम होती है। मीन्स हमें ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर्स को किसी नंबर से। ओके स्टूडेंट्स, हमें ऐसे प्रॉब्लम दी जाती है जिसे हमसे बोला जाता है कि आप सॉल्व कीजिए कि इसमें मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, या आप डिसाइड करेंगे और इसे हमें आपको सॉल्व करके देना है। ओके स्टूडेंट, सो हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, इसे हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन जिसमें मैंने बोला था कि कोई नंबर्स दिए जाते हैं आपको, सपोज अगर ये नंबर्स लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, सो जो नीचे नंबर्स दिए जाते हैं उस नंबर का हम टेबल रीड करते हैं, और जो नंबर ऊपर दिए जाते हैं उतने हम क्या उतने टाइम रीड करते हैं। जैसे 5 का टेबल हम 2 टाइम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर जो नंबर्स दिए जाते हैं उन्हें हम अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट के पहले से अरेंज करते हैं, आफ्टर दिस नीचे वाला नंबर उसे भी हम अरेंज करते हैं। आपको दिख रहा होगा मैंने वंस के नीचे वंस नंबर किया और टेंस के नीचे टेंस राइट किया है। फिर सिंबल ऑफ एडिशन, ये क्या है बच्चों, सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसे हम इनटू बोलते हैं। और फिर इसके बाद हम टेबल रीड करते हैं, फिर आंसर फाइंड करते हैं, जो आंसर आता है उसे हम ऐड करके फाइंड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, सो मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन में बताया था लास्ट क्लास में, आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ए मैन सेव्स रुपीज 350 पर मंथ, एक मैन है जो पर मंथ 350 रुपीज क्या करता है बच्चों, सेव करता है, सेविंग में ऐड करता है अपने। हाउ मच मनी विल ही बी सेविंग इन 4 इयर्स, बताइए कि वो जो पर मंथ इतने पैसे इतने रुपए सेव करता है तो 4 साल में वो कितने रुपए सेव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ए मैन सेव पर मंथ, कितने बोला है बच्चों, पर मंथ का बोला है, ठीक है। आप जानते हैं कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बच्चों, 1 ईयर में सॉल्यूशन है आपका, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बच्चों, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, कितने होते हैं 12, जब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं हाँ, तो पर मंथ वो कितने 350 रुपीज पर मंथ बोला उन्होंने, तो हम क्या करेंगे 12 क्रॉस 1 मंथ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया यहाँ पर 12 बन जा 1 मंथ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया 12 क्रॉस 1 मंथ। अब हम पर मंथ का मतलब होता है 1, पर मतलब क्या होता है बच्चों 1, ठीक है। तो 1 मंथ में कितने रुपीज क्या करता है वो सेव करता है 350 रुपीज, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ 12 लिख दिया, 1 मंथ में कितने रुपीज 350, तो मैंने 1 मंथ के प्लेस पे क्या लिख दिया 350 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको। अब 350 और 12 का हम क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, सो आपसे ऐसा नहीं बनता हो तो आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट मुझे ऐसा आता है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, 12 बटे सबको आता है, सो लेट्स स्टार्ट 12 का टेबल हमें 0 टाइम पढ़ना है, मीन्स कोई से टाइम नहीं पढ़ना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0, कितना आ जाएगा 0। अब 0 का टर्न हो चुका है, 0 को हटा देंगे, अब 5 दिख रहा है आपको, 12 का टेबल 5 टाइम पढ़िए, 12 बन जा 12, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 12 का टेबल राइट कर दिया है। 12 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है आपको? 5 टाइम, ठीक है। 12 का टेबल रीड कीजिए 5 टाइम। 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 फाइव जा 60। कितना है बच्चों? 60। अब 60 में कितने डिजिट है बच्चों? 2। कितने डिजिट है? 2। हम क्या करेंगे, राइट डिजिट को बॉक्स में राइट कर देंगे एंड 6 क्या हो जाएगा हमारा? कैरी। क्या हो जाएगा बच्चों? कैरी। अब क्या है? 3 है, तो हम 12 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे बच्चों। 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36 एंड कैरी 12 थ्री जा 36 एंड कैरी 6। क्या हो जाएगा बच्चों? 6 प्लस 6 12, कैरी 1, तो 3 प्लस 1 4, तो कितना आएगा? 4200। ओके स्टूडेंट्स, जिसको ऐसा टेबल समझ नहीं आया, मैं यहाँ ये वाला टेबल और बता देती हूँ आपको कैसे करना है। ये मल्टीप्लाई है जो आपका 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो क्या जाएगा बच्चों? 0, 2 5 जा 10, 10 का 0, कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड ये 7। अब हम 1 का मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, इसलिए 2 की प्लेस में क्या जाएगा बच्चों? 0, तो 1 0 0, 1 5 जा 5 एंड 1 3 जा 3। अब हम इनको ऐड करेंगे, 0 0 7 5, 7 प्लस 5 12, 12 का 2, कैरी 1, 3 प्लस 1 4। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोनों ही तरीके से मल्टीप्लिकेशन बता दिया है कि कैसा करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा क्या निकला कि 1 ईयर में वो इतने रुपीस सेव करेगा। एक जो मैन है वो 1 ईयर में इतने रुपीस सेव करेगा। अब हमें क्या बताना है बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बताइए, हाउ मच मनी विल ही बी सेविंग इन 4 ईयर। हमें बताना है कि वो 4 ईयर में कितनी मनी सेव करेगा, ठीक है। तो ये तो कितने का हुआ बच्चों? 1 ईयर का हुआ। कितने ईयर का? 1 ईयर का। सो हमें 4 ईयर का निकालना है, 4 ईयर। तो मैं क्या कर रही हूँ? 4 क्रॉस ईयर 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, 4 ईयर्स मीन 4 क्रॉस 1 ईयर। तो 4 क्रॉस, ठीक, इनटू जो भी इनटू है, और 1 ईयर का क्या हुआ बच्चों? 4200। ओके, अब हम इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 0। 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 टू जा 8 एंड 4 4 जा 16। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज योर आंसर, मींस वो 4 ईयर में 16,800 रुपीस क्या करेगा बच्चों? सेव करेगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? आफ्टर दिस, इसके बाद मैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जो वो भी फाइंड कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप और अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी नेक्स्ट है, सीता टाइप 68 वर्ड्स। एक बार प्रॉब्लम है जिसमें लिखा हुआ है सीता टाइप्स 68 वर्ड्स पर मंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सीता टाइप 68 वर्ड्स पर मंथ, सीता जो है वो 68 वर्ड्स टाइप करती है पर मंथ। हाउ मैनी वर्ड विल शी बताइए, विल शी टाइप इन 2 hours and 20 minutes। ओके स्टूडेंट्स,
एक गर्ल है सीता, जिसके पास कंप्यूटर है। सीता टाइप्स उस कंप्यूटर पर सीता क्या करती है, पर मिनट में 68 वर्ड्स टाइप करती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि वो 2 घंटे 20 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम हमारे पास जो लास्ट में दिया गया है 2 hours and 20 minutes, इसे सॉल्व करेंगे। 2 hours 20 minutes, हम इसे ही सॉल्व क्यों कर रहे हैं बच्चों? हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीता टाइप्स 68 बर्ड्स पर मिनट, सॉरी ये धोखे से लिखा गया, पर मिनट, मंथ नहीं है वहां, पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 68 बर्ड पर मिनट। यहाँ मिनट्स की बात की गई है, तो जो हमारे पास जो आवर्स है हम उसे मिनट में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लिखा है 2 hours, ठीक है। आपको पता होगा बच्चों 1 hour में कितने मिनट होते हैं, घड़ी सब देखते हैं बच्चों, तो 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 1 hour में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। तो हमें क्या बताया, 2 hours में पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे, 2 into 1 hour, ठीक है, 2 into 1 hour एंड 20 मिनट्स, एंड कितना लिखा हुआ है बच्चों, 20 मिनट्स। अब मैं चेंज कर रही हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। मैंने ये और से प्लेस पे क्या कर दिया बच्चों, 1 hour लिख दिया, ठीक है, 2 cross 1 hour। अब 1 hour में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60, तो मैं इसे प्लेस क्या करूंगी, 60 मिनट्स। समझ आया सबको, एंड के प्लेस से प्लस लगा दूंगी और ये 20 मिनट्स। इतना सबको समझ आया या नहीं आया बता दीजिए। 1 hour मीन्स होता है बच्चों 60 मिनट्स। सो मैंने यहां पर क्या फाइंड कर दिया, 2 cross 60 मिनट्स। 1 hour के प्लेस पे मैंने इसको आवर्स को 1 hour लिख दिया, ठीक है, 2 को अलग कर दिया, फिर जो 1 hour है उसके प्लेस पे मैंने 60 मिनट्स लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, 1 hour क्यों लिखा मैंने 60 मिनट, मतलब 1 hour में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 1 घंटे के प्लेस पे 60 मिनट लिख दिया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो मिनट्स में पर मिनट्स का दिया गया है, तो हम इसे कैसे आंसर फाइंड करेंगे, इसीलिए हमने इसको मिनट में चेंज कर लिया। यदि मिनट में चेंज हो जाएगा तो हमारा आंसर फाइंड हो सकता है, यदि हम इसे आवर में रखेंगे तो इसका आंसर फाइंड नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं इसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, और 2 का इंटू 6 में होगा, मल्टीप्लाई 6 में होगा कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा आपका 120 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 120 और 20 कितना हो जाएगा, 140 और मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जहां एंड था हमने वहां प्लस का यूज किया। ओके स्टूडेंट, जो मिनट्स आए थे आप दोनों मिनट्स को हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो 140 मिनट्स आया हमारे पास, जो सीता तो बर्ड्स टाइप कर रही है वो पर मिनट का दिया हुआ है, कितने मिनट का दिया हुआ है बच्चों, पर मिनट का दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो पर मिनट का, तो हमारे पास तो कितने मिनट्स हैं बच्चों, हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 140 मिनट्स हैं। तो हमें ये बताना है कि 140 मिनट्स में सीता कितने वर्ड्स टाइप करेगी। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसमें 68 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 का हम टेबल पढ़ेंगे, मतलब टेबल रीड करेंगे, तो 8 का 0 में रीड करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, 0, फिर 8 का टेबल 4 टाइम, 8 बन जाए 8, 8 2 जाए 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32, तो 32 का क्या हो जाएगा, 2 कैरी 3, फिर 8 बन जा 1, सॉरी 8 बन जा 8 और 3, 9 10 11, सो वी विल पुट 11 इन दी बॉक्स। आफ्टर दिस 8 का इंटू हो चुका है, मीन्स उसके प्लेस में क्या जाएगा, 0, 6 का इंटू स्टार्ट करेंगे हम, 6 का 0 में करेंगे तो 0, 6 4 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 6 बन जा 6 और 2 8, सो
0, 2, 5 and 9. So 9,520. 9,520. So this is your answer. This is your answer. 9,520. Okay, students. So means Sita जो है वो कितने words type करेगी? तो सीता 140 मिनट्स में 9,520 वर्ड्स टाइप करेगी. ओके स्टूडेंट, सो ये आपको ध्यान से समझना है कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है. ये आपको कैसे पता चलेगा? बट प्रॉब्लम को रीड करके. बट प्रॉब्लम जब तक आप रीड नहीं करेंगे उसे सॉल्व करना उतना ही डिफिकल्ट होगा. ओके स्टूडेंट, सो बर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से समथिंग 2 से 3 टाइम रीड करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आपके जो भी डाउट हैं हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके एक डाउट को क्लियर करेंगे. सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय स्टूडेंट्स.